अपनी प्रोपोजिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फिर सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस बी, थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस टू बी। कंसिडर दिस, आपको लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ईच टर्म इज डिफरेंट बाय इट्स प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट नंबर, सो इज इट फॉलोइंग हियर। यहां से इसका डिफरेंस बी का ही तो है, ये इससे बी ज्यादा है और ये इससे बी ज्यादा है और ये इससे भी ज्यादा है, इस तरीके से हर जगह एक कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन है, ये कांस्टेंट डिफरेंस हर जगह मेंटेन है, तो हम क्या बोलेंगे ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो एपी का है, एपी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, तो ये एक प्रोग्रेशन है, तो सारे प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म क्या होता है विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन फाइंड एनी टर्म एंड एवरी टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम जनरल टर्म की बात करते हैं, जनरल टर्म क्या होगा, इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, जनरल टर्म क्या होगा। आप देखिए अगर मैं जनरल टर्म कहूंगा तो क्या होता है ए एन यानी कि एन एफ टर्म, इस सीक्वेंस में बेसिकली आप फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, आप क्या देख रहे हो थर्ड टर्म में यहाँ टू लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में थ्री लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म में ये वन डी है, तो यहाँ फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस फोर डी यानी ए सबने है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ ऐसे करके यहाँ अगर आपको लिखना हो तो ए तो रहेगा ही और ये ना इससे एक टर्म है तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टी, ये इससे एक टर्म है एन माइनस वन इंटू टी, क्या है एनएफ टर्म है, यही तो है एनएफ टर्म, इसी को तो बोलते हैं जनरल टर्म, ये क्या है ए प्लस एन माइनस वन, हाउ वी कैन फाइंड द एनएफ टर्म ऑफ एनी एपी, सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर अस, किसी भी सीक्वेंस में हम उसका एनएफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था वन फाइव फिर नाइन फिर थर्टीन 17 ऐसे कर करके वी वर यहाँ पे nth टर्म हमें फाइंड करना है, ए एन या टी है, क्या होगा यहाँ पे ए एन, ए एन के लिए पहले सबसे पहले आपको ए फाइंड करना पड़ेगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, अच्छा nth टर्म में तो एन ही है और डी क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस 5 एंड 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, द डिफरेंस इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 4 है, तो ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है ए 1 है एन एन ही है और डी 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 एन माइनस 4 क्या हो गया 1 4 एन माइनस 3 ये हो गया हमारा एन, फोर एन माइनस थ्री क्या सही है, एन माइनस वन इंटू थ्री कॉमन डिफरेंस चार का ही है बिल्कुल, फोर एन माइनस फोर तो फोर एन माइनस थ्री बिल्कुल सही है, तो यही है एन, इस वाले सीक्वेंस का एन यही, तो किसी भी टर्म का एन टर्म हम लोग किसी भी प्रोग्रेशन का एन टर्म फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसकी फाइंड करते हैं तो एक बार 3, 5, 7 ऐसे करके क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो a कितना है a इज 1 ठीक है, फिर n माइनस 1 और d कितना है d, d कितना दिख रहा है इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, d कैसे निकालेंगे 3 माइनस 1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, इन ऑल द सिचुएशन यू गेट 2, यू गेट d 2, d यहां पे 2 हो गया, a n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2n माइनस 2 कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, a n कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 ओके, तो ये रहा nth टर्म 2n माइनस 1 ठीक है ना, तो हम इसका भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसी भी का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ का एस्टम फाइंड कर दिया,
इसमें एक खास बात क्या है वो आया पे हम लोग नोट कर सकते हैं, वो नोट नहीं करते लोग। यहाँ पे देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन। पहली बार यहाँ पे क्या लीनियर ही तो है, यहाँ 4n प्लस क्या है क्वाड्रेटिक है क्या, ये नहीं ना, ये तो लीनियर ही है, पावर वन है हर जगह। यहाँ भी देखो पावर वन है। Whenever you will find a general term of an AP, you will always get a linear expression. तो हम देखेंगे nth term of an AP is always a linear expression. A linear एक्सप्रेशन हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा मतलब। ओके ओके, और क्या खास बात है देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, और यहाँ पे एन कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, और यहाँ पे एन कोएफिशिएंट कितना है 2 है। जो भी एन का कोएफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर कोई बोले ऐसे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देखिए क्वेश्चन, फाइंड कॉमन डिफरेंस इन nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज, फाइंड कॉमन डिफरेंस इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज 1 माइनस 5n। अगर ये nth टर्म गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 minus 5n is given as is, nth term. Common difference हमने क्या सीखा है, n का coefficient. So the common difference is always coefficient of n. Coefficient of n कितना है, minus 5. Common difference is always coefficient of n, which is minus 5 here. ठीक है? तो बिना कुछ किए हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो। P1 निकालिए आप, P1 क्या करेंगे, 1 माइनस 5 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 4। N stands for what? यहाँ पे N हम जैसे 1 डालेंगे, यहाँ भी देखो आप N 1 डालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, देखो 1 आ रहा है। 2 डालने पे 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 देखो 5 आ रहा है, यानी कि ये वो टर्म है जिससे हम सारा फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल टर्म यही होता है जिसमें एन की वैल्यू बदल बदल के हम सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सारे टर्म एन की वैल्यू को बदल बदल के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस माइनस फाइव आया, हम चेक करते हैं कि P1 कितना आया, माइनस 4 आया, P2 चेक करते हैं, 1 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस 9, 53, 1 माइनस 5 इंटू 3, 1 माइनस 53, माइनस 40। सो इन दिस वे वी हैव माइनस 4 हियर, माइनस 9, माइनस 14। नाउ फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस हियर, व्हाट वुड बी टू फॉर कॉमन डिफरेंस, सबट्रैक्ट सेकंड टर्म फ्रॉम थर्ड टर्म और सबट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम सेकंड टर्म, माइनस 9 माइनस माइनस 4 करेंगे, यही है सेकंड टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, तो माइनस किया तो माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 5। तो यहाँ भी देखो कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस 5 ही है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ n होता है। तो ये बात आई थिंक क्लियर हुई है। इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़े। Now come with some question, तो इसको नोट कीजिए अभी आप।
ओके इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए आप, जिसका भी पहले हो जाए बता देना आप किसके लिए। मैं आपको एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये करो आप। 12th और 24th टर्म बताना है एसएपी का, दैट इज बिफोर यू, आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म 9 है, यानी ए की वैल्यू 9 लेनी है। कॉमन डिफरेंस 4 है, डिफरेंस अदर टर्म्स 4 है, राइट। तो आपके पास ए भी है, डी भी है, आपको 12th टर्म फाइंड करना है और बाद में nth टर्म भी फाइंड करना। nth टर्म तो फाइंड करना आप सीख ही चुके हो, तो n की प्लेस पे 12 पुट कर दोगे तो 12th टर्म आ जाएगा। चलिए फाइंड कीजिए। ओके किसी ने आंसर नहीं किया यार, आंसर करना चाहिए, करो ऐसे आपको करना पड़ेगा मेरी क्लास में। चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है। क्लियरली फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले बार जो लिखा हुआ है सीक्वेंस में, जो पहला नंबर फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो d इज 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, तो a 9 हो गया, d 4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, a 12 चाहिए, 12th टर्म चाहिए। 12th टर्म कैसे आएगा, सबसे पहले nth टर्म फाइंड कर लेते हैं ना, ऐसे कर करके nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था आपने a प्लस डी का कोएफिशिएंट क्या होगा, n से एक टर्म। a n क्या होता है, a प्लस n से एक टर्म,
n minus 1 times b, a n is equal to a plus n minus 1 to b. So a is what? A is 9 and n to n ही है, common difference कितना है? 4 है. जैसे आपने a n find किया उसी तरह से a square भी find कर सकते हो. a plus 12 minus 1 into b, यानी कि 12 से a कम होता है डिग्री कोई भी. a 24 कितना हो जाएगा? a plus 23 d, 24 से एक लेस होता है d का कोएफिशिएंट. आई होप आप समझ गए, फिर भी सॉल्विंग करते हैं. पहली बात, a is 9, फिर 12 minus 1 क्या हो गया? 11. और d कितना है? d 4 है. तो कितना हो गया? 9 plus 44. कितना हो गया? 53. So 12th term is 53. 24th term क्या हो जाएगा? First term is 9. And common difference is 4. To calculate this, 9 plus, kitna hota hai? 23, 4 ja 92. This is 101. So you have all the terms, A12, A24 and AN as well. This is 4N plus 9 minus 4, yani 5. 4N plus 9. Ho gaya aapne 12th term, 24th term. और nth term भी find कर लिया. अभी कोई बोलेगा सर nth term में n की value में 12 put कर दूंगा तब भी आंसर आ जाएगा. क्या आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? nth term में n की value 12 put करने पे क्या आंसर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, सेम आंसर आएगा. आप चाहो तो यहां पे n 12 put कर दो. 12 into 4 कितना जाएगा? 48. 48 plus 5 53. सेम. सिमिलरली 24 put करने पे भी सेम ही आंसर आता है. ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए. व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124? क्वेश्चन इज व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है? 4 9 14 9 4 9 14 19 is 124. इस सीक्वेंस में या फिर इस प्रोग्रेशन में या फिर सीरीज में 124 कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म होगा, 100th टर्म होगा, कौन सा टर्म 124 होगा? जैसे यहाँ पे 24 टर्म 101 था ना, तो ये जो 124 है वो कौन सा टर्म? 24 है, बट यही माइंड कर. तो एक्चुअली बोला जाए तो क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू फाइंड करना है. चलिए फाइंड कीजिए, और कहीं दिक्कत हो आपको भी समझने में तो बता सकते हैं. वेरी कन्विंसिंग फॉर्म भी ये सारे बड़े आसान है, सबको समझ में आ जाना चाहिए. पर मुझे तो मेरे दिमाग में तो सही होगा ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे तो आता है अच्छे से. तो आपको भी पूछना पड़ेगा कि आप किस तरीके से समझ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो. यस, टोटली योर टास्क टू आस्क. जितना पूछना है पूछो, पूछने की आदत डालो, सवाल करने की आदत डालो. इंसान ही सवाल करते हैं, इंसानियत है लगता है. क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं करोगे मतलब. चलिए मतलब बिना समझे फॉलो करोगे फिर क्वेश्चन नहीं करोगे तो लाइफ में, लाइफ में अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो बिना समझे तो फॉलो करोगे, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है. तो आप क्वेश्चन करना अभी पढ़ाई का टाइम है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपके लाइफ में से बता रहा हूं. चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करीब करते जाइए. क्वेश्चन लिख दिया मैंने नीचे.
और भी क्वेश्चन में लिखता हूँ, सबको डिस्कस करेंगे। टेंथ टर्म इज 52, सिक्सटीन्थ टर्म इज 82, फाइंड 32nd term find 32nd term first we will have question 2 if 5 times the 5th term of an AP is equal to 8 times 8 term is equal to 8 times 8 term find its 13th term. चलिए ये तीन क्वेश्चन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, 2 दो मिनट में आप कीजिए सारे।
आइए देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124। तो सपोज कीजिए आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन लेट द nth टर्म इज 124। माना क्या हमने, जो ए एन है यही 124। अच्छी बात है, तो ए एन कैसे फाइंड करते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज 124। ए की वैल्यू कितनी, 4, एन माइनस वन इंटू डी, एन तो फाइंड ही करना है। कॉमन डिफरेंस पता है क्या, कॉमन डिफरेंस देख लो, 9 माइनस 4 कितना है, 9 माइनस 4 कितना है 5 है, 14 माइनस 9 कितना है 5 है, तो कॉमन डिफरेंस तो 5 का ही है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। अब इसके बाद ये 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 124 माइनस 4, 124 माइनस 4 कितना हो जाएगा 120, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। अब ये 5 से कैंसिल होगा ना, एन माइनस 1 120 बाय 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2 जा 10 एंड 2 0 5 4 जा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 25। इन दिस वे वी गॉट हियर कि n 25, तो 25th टर्म होगा वो 124 होगा, और आंसर इज 25। कोई डाउट है तो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दे, 10th term of an AP is 52, हमारे ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिस इज 52, देखो P10 भी लिख सकते हैं, A10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A plus 10 minus 1 into D, यानी 9D, ये 52 है, और क्या है 16th term, P16 is equal to 82, क्या हो जाएगा, A plus 16 minus 1, यानी कि 15D, is equal to 80। यहाँ पे a plus 90, यहाँ पे a plus 50, हमें क्या चाहिए, 32nd term चाहिए, तो 32nd term के लिए हमें required क्या क्या है, वो देखो t32 के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो a plus 31d ये होता है t32, तो इसके लिए first term a तो चाहिए ही चाहिए, और ये common difference d भी चाहिए, दो चीजें चाहिए आप, और ये इक्वेशन गिवन है जिसमें दो चीजें हैं, दीज आर टू इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स, सो वी कैन सॉल्व देम इजीली, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो, और क्या करो आप 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 करने से क्या होगा, a प्लस 15d में से a प्लस 9d माइनस किया, तो कितना हो गया, a से a कैंसिल, आराम से माइनस करना, 15d में से 9d माइनस किया, या फिर ऐसा रखो a प्लस 9d यहाँ पे पुट कर दो, और फिर यहाँ पे 52, और अब अगर माइनस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये a से a कैंसिल, 15 माइनस 9 बिकम 60, एंड 82 माइनस 50 बिकम 60, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6d इज इक्वल टू 30, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 by 30 by 6 = 5, तो P32 फाइंड करना इज नॉट डिफिकल्ट था, तो वैल्यू ऑफ A इज 7 एंड D इज 5, 7 प्लस 155, देख लो कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो जरूर होता है, तो P32 इज 162, तो हमारा जो आंसर है 32nd टर्म इज 162, वी गॉट आवर आंसर।
है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन क्या है, गिवन है 5 टाइम द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8th टाइम ऑफ इट्स 8th टर्म। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम ऑफ इट्स 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म। Five times of the fifth term of an AP is equal to 8 times of the eighth term. Find the 13th term. So find करते हैं। ये five, A five क्या होगा जाएगा? A five क्या होगा बोलो? A five क्या होगा? A plus 14. A eight क्या हो जाएगा? A plus 17. ये सब पता है आपको? हाँ। अब A minus 5A, ठीक है 5A है और ये 8A है, ये क्या हो जाएगा 3A। और यहाँ पे क्या है 8 7 जा 50 60, और ये है आराम से पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है आराम से, ये है 5A और ये है 20B, ये है 8A और ये है 50 60, तो ये क्या है 3A और ये क्या है 56 माइनस 20 यानी कि 36 भी, ठीक है ये आ गया, हमें 13 टर्म चाहिए। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें इधर 0 रह जाएगा, a और b में रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 12b, तो a इज इक्वल टू माइनस 12d आ जाएगा, a क्या आ जाएगा माइनस 12d के बराबर। कैसे, अरे इधर 0 है ना, अब क्या मिल गया आपको 0 इज इक्वल टू a प्लस 12d, तो अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी या a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 12d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 12d। चलिए यहां से आपको अभी इस इक्वेशन से सिर्फ a की वैल्यू मिली, या फिर कह सकते हैं a और d के रिलेशन गलत, इसके बाद क्या हो सकता है अभी देख, हमें क्या चाहिए 13th टर्म चाहिए, व्हाट वी नीड 13th टर्म यानी कि a 13 क्या हो जाएगा a प्लस 12 तो होगा a प्लस 12 13 टर्म होगा, और a की वैल्यू कितनी है माइनस 12, और यहाँ 12 पहले से ही है, इनका सम कितना हो जाएगा 0, तो a 13 कितना हो गया 0, तो हमें क्या चाहिए था 13 टर्म और हमें मिल गया 0। आंसर नोट कीजिए सबको, फिर वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एट लीस्ट 2 और 3, फिर इसको सॉल्व करना होगा, कोई दिक्कत हो जरूर बताना। देखिए क्वेश्चन, इफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ऐसे लिखता हूं मैं, इफ पी पी इज इक्वल टू क्यू, मतलब पी टर्म क्यू के बराबर, एंड क्यू टर्म
इज इक्वल टू पी विद सम पी के बराबर देन प्रूव दैट that its nth term is its nth term is p plus q minus n question 5 determine the tenth term from the end of the AP four, nine, 14 250 आई थिंक इन दोनों क्वेश्चनों के लिए फिर आगे बढ़ते हैं आइए देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन इक्वल टू क्यू
हो जाएगा लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज बी। क्या क्या हमने मान रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है बी। तो क्यू एच टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू बी, और क्यू एच टर्म पी एच टर्म है, पी एच टर्म ए प्लस पी माइनस वन इंटू बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्यू। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे टी क्यू इज इक्वल टू पी, क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। दोनों इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्शन अगर करें तो क्या मिलेगा, क्या हाफ मिलेगा वो देख। सपोज इस इक्वेशन को मैंने वापस यहाँ लिखा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन वन इक्वेशन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे Q माइनस बी दिखने लगेगा। तो सर वन का क्या होगा, ये दोनों माइनस ठीक है, ये भी माइनस ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो Q माइनस बी बी इज इक्वल टू पी माइनस, फिर यहाँ से बी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस बी, क्या होगा आंसर माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ माइनस वन का फर्क है, ये इसको क्रॉस करेगा कट करेगा और ये साइन रिवर्स हो जाएगा, तो डी की वैल्यू होगी माइनस। तो सर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, इसको नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जो भी है कॉमन डिफरेंस मिल गया, अब इस कॉमन डिफरेंस को अगर हम इसमें पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम डी की वैल्यू को माइनस वन पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से फिर a की वैल्यू मिल सकती है और फोर्स मिल सकती है, क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस p, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो p बिकम्स माइनस p एंड माइनस वन क्या हो गया प्लस वन, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी q प्लस p माइनस वन, ये है a की वैल्यू, और d की वैल्यू कितनी है माइनस वन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन कैन वी फाइंड दिस mth टर्म tn, tn कितना होगा निकालिए यहाँ पर, tn कितना होता है, tn a प्लस n माइनस वन इनटू d। अच्छा तो a की वैल्यू कितनी, q समझ पाओगे इतने कम जगह में, a प्लस यानी q प्लस p माइनस वन, ये है फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन, और d कितना है माइनस वन, तो tn कितना हो जाएगा q प्लस p माइनस वन माइनस n प्लस वन, ये वन से वन कैंसिल, क्या आंसर आ गया q प्लस p माइनस n, क्या आंसर आ गया q प्लस पी माइनस एन करना था आंसर, क्यू प्लस पी माइनस एन या पी प्लस क्यू माइनस एन, एक ही बात है। तो वी गॉट आवर आंसर, वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो नोट कीजिए, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे को ये बताइए 254 जो है वो कौन सा टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म कौन सा है, 4 9 14 एंड देन 19, n is equal to 15 plus 151,
तो सबसे पहले ये पता चला कि 254 31st टर्म है, इसका क्या मतलब है, ये जो AP है 4, 9, 14, ……, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये है 51st टर्म। ओके 58th टर्म कितना होगा, कैन यू टेल मी 58th टर्म, जैसे इससे एक पीछे जाना पड़ेगा यानी कि चार डिफरेंस लिए, नहीं पांच का डिफरेंस, तो यहां से पांच का डिफरेंस कितना होगा 149, फिर यहां से पांच का डिफरेंस कितना होगा 144, ऐसे कर करके हम लोग सॉरी 244, फिर पांच का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा 239, और ऐसे कर करके हम पीछे से भी बढ़ सकते हैं। तो क्या हम एक ऐसा एपी कंसीडर करें जिसका फर्स्ट टर्म 254 है और सेकंड टर्म 249 है, मतलब इसकी पूंछ को यहां से पकड़ के उलट दिया और इस तरीके से हमें सीरीज मिलनी शुरू हो गई 239 और ऐसे कर करके। क्या ये एपी नहीं, बिल्कुल ये भी एपी है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, दिस माइनस दिस, ये डिफरेंस इज ऑलवेज माइनस 5, ये डिफरेंस इज ऑलवेज माइनस 5, यहां भी माइनस 5, तो ये भी एक एपी है और इसका फर्स्ट टर्म कितना है 254 और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 5। तो अगर हम इस एपी को कंसीडर करें और 10th टर्म फाइंड करें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम एंड, यहां एंड से 10th टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करें, एंड से 10th टर्म फाइंड करना है यानी 8 10, फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इनटू b यानी कि माइनस 5। यहां से रख क्या लिख सकते हैं हम लोग 254 प्लस 9 इनटू माइनस 5 क्या हो गया माइनस 45, ये कितना हो गया 209। तो 10th टर्म फ्रॉम एंड यही होगा, अगर आप यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ पे जाओगे यही आ जाएगा। तो यहां से एक और चीज नोट करने को मिलता है कि एपी का अगर हम लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आए तब भी वो एपी में ही रहेगा, यानी एपी की टर्म को रिवर्स कर दिया गया तब भी वो एपी में ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, बस कॉमन डिफरेंस का साइन पलट जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। पहले अगर इसका प्लस 5 था तो कॉमन डिफरेंस 495 प्लस 5, तो रिवर्स आने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस माइनस 5 हो जाएगा, बस फर्स्ट टर्म बदल जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, बस और कुछ। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। राइट ये भी हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन, यहां तक सब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, पहले इसको हटा दिया जाए, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास, एपी में भी बाकी चीजें बाकी है, एपी का सम बाकी है, एक क्लास में कम से कम लगेगा और हो सकता है दो क्लास भी लगे, एक क्लास में हो जाना चाहिए, सम ऑफ एपी है बस। If mth term, of m if it is 1/n and nth term is 1/n, then find mth term, then prove that
that is the is one. ठीक है, ms sum 1 by ns, ns sum 1 by ms, ms sum बता, मतलब 6 sum suppose given है 1 by 6, 6 sum given है 1 by 5, तो आपको बताना है p30, ms का ही मतलब हुआ ना, p5 into 6, मैंने p30, ये मैंने ऐसे ही बताया आपके समझ के लिए, क्वेश्चन ये सॉल्यूशन पी एम इज इक्वल टू 1 बाय एन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ए प्लस एम माइनस 1 इक्वल टू ए हो सकता है ओके फिर पी एन इज इक्वल टू 1 बाय एन हो सकता है ए प्लस एम माइनस 1 इक्वल टू इज इक्वल टू 1 बाय एन This is equation 1, this is equation 2. हम क्या करने वाले हैं? Equation क्या करने वाले हैं? ये 2 वाले को यहाँ लिख लेते हैं. A plus n minus 1 into b is equal to 1 by n. Equation 2. और हम क्या करते हैं? 1 minus 2 कर देते हैं. A से cancel, m minus n यहाँ दिख जाएगा. Minus b से minus दिखता था. हो जाएगा 1 by n minus 1 by n और d यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा तो यहाँ से फिर से क्या आएगा m minus n d is equal to m minus n by m n ये कैंसिल हो गया डी की कितनी वैल्यू हो गई यहाँ से तुम्हें डी की वैल्यू मिली 1 बाई एम एन और आगे बढ़िए डी की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली यहाँ पे अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर हम डी को ए में पुट कर दें इक्वेशन 1 में ठीक है डी इसी में पुट कर दो सेकंड में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू वन बाई एम एन ये कितना है 1 बाई एम एन इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ए की वैल्यू मिल जाएगी एन से एन कैंसिल हो गया कितना हो गया 1 बाई एम माइनस 1 बाई एम एन इज इक्वल टू 1 बाई एम अभी 1 बाई एम 1 बाई एन कैंसिल तो ए की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 1 बाई एम एन a is equal to plus 1 by mn a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू भी पहले से ही उपस्थित है राइट राइट दोनों पॉजिटिव ही है क्या माइनस 1 by mn तो प्लस 1 by mn a की वैल्यू हो गई तो ये ठीक है अब यहाँ पे मेरे को चाहिए mn का यानी कि a mn is equal to a plus mn minus 1 into d यही होगा a की वैल्यू है 1 by mn और d
डी की वैल्यू भी है 1 बाई एम एन। हम इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 1 बाई एम एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एम एन, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ए एम एन कितना हो गया 1। ठीक है, एम माइनस सम ऑफ द एपी इज 1 हो गया, बस यही करना था। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं, आप नोट करके लीव कर सकते हैं।